नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते, मैडम। हाँ मैडम, आप अपने अपना परिचय दीजिए। मैं मुन्नी कुमारी, नगर निगम मेयर समस्तीपुर जिला से मेयर पद के लिए अपना नामांकन करवाई हूँ। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं किशोरी माथो, ग्राम भिधारा समस्तीपुर के मूल निवासी हूँ। जनता के द्वारा जो है सो अनेक बार कहने पर मैंने अपनी पत्नी के मेयर पद से प्रत्याशी में नामांकन दाखिल करवाया हूँ। सर, आपने मेयर पद के लिए नामांकन कराया है, आप लोग का उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में नगर बना है, नया पहला बार नगर बना है समस्तीपुर, पहले नगर परिषद था, नगर निगम हो गया है, तो उद्देश्य क्या है इस नगर निगम में को आप कैसे देखते हैं, स्मार्ट सिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी क्या क्या समस्या आपको दिखाई दे रहा है इस आसपास में? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ शहर में कितनी गंदगी है। वर्षा का पानी अभी हाल में जो है सो टीकर में स्कूल पर जमा रहता है, आने जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जल निकासी की समस्या है, नाला की समस्या है और सफाई की समस्या है, बिजली का समस्या है। इन सारी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा और जो है सो यहाँ के लोगों को स्मार्ट सिटी बना करके दूंगा, ताकि लोग देखें और दूसरे जो शहर हैं यहाँ का अनुकरण करें। मैं अनुकरणीय सिटी का निर्माण करने का लक्ष्य जो है लेकर चलूंगा। तो इसके लिए आपने कैसे सोच रखा है, कैसे आप इस पे काम करेंगे? नगर निगम में जो भी काम होगा, जो कर्तव्य होगा नगर निगम के क्षेत्र में, तो उसका भली प्रकार अगर निर्वहन करूंगा तो निश्चित रूप से हमारा शहर जो है जो निर्मल होगा और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। अभी जैसे कि जल जमाव का समस्या इससे पहले हमेशा रहा है, अभी भी हल्का बारिश होता है, जगह जगह जल जमाव लग जाता है। जब नगर परिषद क्षेत्र था उस समय भी नाला का बहुत जगह काम हुआ, फिर भी सही से सुचारू रूप से नाला जो का जो पानी है वो इधर उधर नहीं जा पाता है, सड़क पे ही लग जाता है। तो इस पे आप कैसे काम करेंगे, इसके लिए आप कैसे देखते हैं कि अगर योजना इस तरह की आती है तो आप इस पे कैसे इसका विकास करेंगे इस क्षेत्र में? पिछले साल भी यह समस्याएं उत्पन्न हुई थी, मैंने अनेक विधायक से बात किया, लेकिन समस्याएं जस की तस पड़ी रहे। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम मेरी पत्नी मेयर बनती हैं तो जो भी यहाँ का काम है नगर निगम के क्षेत्र में, तो हम लोग बैठक करेंगे और योजना को पारित करके और उसके अनुरूप कार्य करेंगे, बैठक करेंगे और कमेटी से जो पारित होगा प्रस्ताव, उसको प्रस्ताव में ला करके उसको पारित करके फिर उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे और इसका समाधान करेंगे। इससे पहले भी नगर परिषद क्षेत्र, आप पंचायत क्षेत्र था आपका, पंचायत से पहला बार जुड़ा है नगर निगम क्षेत्र में, तो पंचायत में भी काफ़ी योजनाएं आई, आप कैसे देखते हैं? अगर आपके पंचायत को देखा जाए तो इस 5 साल में कैसा बीता है आपका पंचायत, कितना विकास हुआ है? विकास के क्षेत्र में नगर ने काम हुआ है तो काफ़ी जो है सो निराशा हुई है पंचायत के मुखिया से भी या जो भी हमारे वार्ड मेंबर वगैरह रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसा तो काम, मैंने ये सोचा कि सत्ता में जब हमारी भागीदारी होगी, जब हम या हमारी पत्नी इस पद पर रहेंगे, तो जो है यहाँ की जनता के मन भावना के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, बैठक करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, उसको पारित करेंगे और उसके अनुरूप कार्य में परिणत करेंगे। तो क्या आपको इससे पहले भी इसी समाज में आप रहे हैं तो इसके लिए आप कहीं प्रॉब्लम नहीं देखे और उसके समाधान के लिए जो इस तरह का गंदगी समाज में? लोकल मुखिया से बात किया, विधायक से बात किया, कई बार बैठ के उनसे मिल करके बात किया, हमने पंचायत में जा करके भी बात किया, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकला। तो इससे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर समाज सेवा करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा या फिर खुद अपने आप हाथ में जब पावर रहेगा तो मैं जो है जनता के मनोभावना के अनुरूप काम करूंगा, तो आप लोग देखिएगा कैसे काम होता है। मैं चाहता हूं कि इस उद्देश्य के साथ सर आप अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं मेयर पद से समस्तीपुर नगर निगम के लिए? उद्देश्य यह है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कई वर्ष से बहुत सारी समस्याएं हैं नगर निगम क्षेत्र में और इसका समाधान जो है
नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि जब सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, हमारे पास जब पावर होगा, तो उसका समुचित उपयोग होगा और यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जो है उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हम लोग जरूर सफल होंगे। तो आपको क्या क्या समस्या अभी दिखाई देता है इस नगर क्षेत्र में? पिछले साल भी हम लोग ने देखा था, इस साल भी देख रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, टीके में स्कूल के पास आने जाने में आम नागरिक को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम परसों तरसों जा रहे थे, देखा कि पूरा नाला पानी रोड पर आ रहा है, काफ़ी बदबू मार रहा था, लोग नाक बंद करके जा रहे थे, शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, रोड को ऊंचा करना होगा, बिजली का जो समस्या तार झूल रहा है चारों तरफ वो सब को दुरुस्त करवाना होगा। और बस स्टैंड में देखते हैं कि काफ़ी जो है गंदगी पसरा रहता है, वहाँ भी जो है हमेशा जाम लगा रहता है, ट्रैफिक की समस्या रहती है। इन सारी समस्याओं का समाधान करना होगा और इसमें हम समझते हैं कि हम उसका निदान करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। समाज कल्याण के क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आवासीय योजना हो गया या फिर शौचालय का योजना है, आज भी जो अभी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं नगर से, उसमें बहुत सारे जगहों पर शौचालय की व्यवस्था सही रूप से नहीं हुई है, तो ये सब कैसे आप काम करेंगे? उसमें अभी भी सुनने के में आता है, बहुत जगह लोग बोलते भी हैं कि जो है सो एक करप्शन के थ्रू ही जो है सो आता है आवासीय योजना, तो इस पे आप कैसे करप्शन पे कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं खुद भी जाकर के उसका निरीक्षण करूंगा। मैं प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया हूं, काफ़ी अनुभव है, डीसी पद से सेवानिवृत्त भी हुआ हूं, और तो मैं सफाई का खुद मैं निरीक्षण करूंगा कि सफाई व्यवस्था कैसी है, चाहे शौचालय हो और जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे आवास की जो योजना है सरकार का, उन सब का मैं स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा, ये सब कार्य में परिणत हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, कहाँ काम बाकी है, और जहाँ जहाँ काम बाकी है, जितने भी समस्या है, जनता को लाभ नहीं मिला, जिनको लाभ नहीं मिला है सभी को लाभ, उनको हम लोग जैसा लाभान्वित करने का प्रयास करूँगा और सभी के घर में शौचालय दिलाऊंगी। मैं अपने घर के अगल बगल में देखती हूँ कि गरीबी लोग जो है, बहु बेटी लोग बाहर में जाती है शौचालय के लिए, उनके हर एक घर में शौचालय की व्यवस्था करवाऊंगी, उनको पानी की दिक्कत है उनके जल पानी की व्यवस्था करवाऊंगी। जनधन योजना के बारे में बताएं। जनधन योजना का जल योजना जो है अभी भी वार्ड में जो है नहीं आया है, तो ये मतलब कि इस क्षेत्र में शौचालय नहीं है। ये जो जन कल्याण योजनाएं जो भी होगी सरकार की, उस पर जो है सो जो अभी भी पिछड़े समाज के लोग जो हैं अभी, उन तक पहुंचाने का आप काम करेंगे? बिल्कुल। इसके अलावा शहर में सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? बिजली का तार मकड़े की जाल के जैसे हमारे शहर में गंदगी की तरफ पूरा है, उस तार को पहले लाइन पाइपिंग करवा के सीधा बिजली की खम्भा सभी टेढ़े आढ़े टेढ़े मेरे नगर में है पसरे हुए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उस सब को सीधा करवाना है और पाइप खम्भे को मजबूती से उसका जमीन में गर्म करके सीधा उसको करवाएंगे, पाइप को पूरा पाइप तार को पूरा पाइपिंग एकदम सुचारू रूप से आप उसको सुचारू रूप से आप करवाएंगे ताकि मेरा नगर जो है स्वच्छ दिखे और रात में बल्ब पूरा रोशनी देंगे ताकि मेरा शहर जो है जगमग जैसा दिखे। और वृक्षारोपण का कार्य होगा, फूल वगैरह लगाया जाएगा जहाँ भी जमीन जो भी जनता बोलेगी उस तरह से जनता को मैं सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगी। जब भी जनता मुझे खोजेगी मैं उनकी सेवा में हमेशा। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है उस पर भी मेरा निगाह रहेगा कि कहाँ से करप्शन हो रहा है। मैडम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कहना है आपका? नगर बना है और यहाँ पर जो है महिलाएं वगैरह भी बाहर से, अभी जो कुछ क्षेत्र है लोकल का, वहाँ से काम करने के लिए महिलाएं भी अब शहर की ओर आती हैं, या फिर बहुत सारी लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो उसके लिए बस सरकारी बस की व्यवस्था करवाऊंगी जो लोकल क्षेत्र में जो है सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोग कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। महिला सशक्तिकरण विभाग का मैडम क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी से मैं वहां जाकर देखूंगी कि वहां बच्चे लोग को भली भांति पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, वो देखूंगी। सभी बच्चे बच्चियां जो है पढ़ाई के लिए स्कूल जाएं और बच्चियों का
जो भी जन कल्याण होगा उसको देख रेख करूंगी। गरीबी बच्चों का जो सरकार के द्वारा उसको योजना मिलना चाहिए, विवाह का राशि हो, चाहे उसका पढ़ाई का राशि हो, उसका पोषण का राशि हो, वो सब भरपूर दिलाने का कोशिश करूंगी।